जिंदाबाद जिंदाबाद। हे गाइस बॉस सब वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि गाइस ये कारमा देख सकते हो, ये है लियाकत अली भाई का कारमा जो कि बहुत ही बड़ा कारमा है। ये माहौल से चेयरमैन ही लड़े थे और वो जीत भी गए हैं, तो ये जीत कर अभी माहौल में इंटर हो रहे हैं। तो गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस अभी लेके चलता हूँ मैं आप लोग को फूलपुर, फूलपुर में जहाँ वोटिंग काउंटिंग हो रही थी वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ जब एंट्री हुई फूलपुर में लियाकत भाई की, वो क्या ही नज़ारा था गाइस, बहुत हार्ड नज़ारा था। तो गाइस चैनल पे ऐसे ही बने रहो और वीडियो पूरे एंड तक देखना गाइस। और जैसे कि गाइस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बहुत टाइट था यहाँ का, फूलपुर का बहुत ही ज़्यादा टाइट था। और देख सकते हो गाइस पुलिस चारों जगह फैली है, चारों तरफ पुलिस फैली है। और ये तहसील फूलपुर देख सकते हो गाइस, यहीं पे वोटिंग काउंटिंग हो रही है और प्रशासन हर जगह फैला हुआ है। देख सकते हो गाइस दो अंकल जी हैं पुलिस वाले अंकल जी, वो बाइक से जा रहे हैं, मतलब हर गली कोने नक्कड़ पे हर जगह पुलिस आपको मिलेगी। यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी पुलिस खड़ी है, कहीं किसी तरह का फसाद ना हो, झगड़ा ना हो, इसलिए प्रशासन बहुत ही टाइट है यहाँ का फूलपुर का। और देख सकते हो हर गली में हर नक्कड़ पे पुलिस खड़ी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पुलिस थी गाइस। देख सकते हो ये तो बहुत ही कम पब्लिक है, लियाकत भाई का कारमा जब आएगा तो इससे डबल ट्रिपल पब्लिक हो जाएगी। जैसा कि लियाकत भाई का कारमा माहौल में इंटर हो चुका है, प्रशासन खुद ड्रॉप की है लियाकत भाई को माहौल में। तो गाइस देख सकते हो अभी इनके घर के पास चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं।
तो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।